नमस्कार, करीब 10 बज चुकी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले के रेलवे स्टेशन से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारी पुलिस बल की यहां पर मौजूदगी है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि किसान नेता जो कहीं ना कहीं आह्वान करते हुए जरूर नजर आए कि 18 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा। और ये देखिए किस प्रकार से काफ़ी किसानों की यहाँ पर मौजूदगी जरूर देखी जा रही है। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। जी हाँ, किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहे ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुंचाई जा सके। आपको जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि 4 बजे, जी हाँ 4 बजे चक्का खोल दिया जाएगा। 4 बजे के बाद जो ट्रेन है वो आ जा सकती हैं। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारी संख्या में किसानों की यहाँ पर करनाल रेलवे स्टेशन पर मौजूदगी जरूर देखी जा रही है। जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करते रहें ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुँचाई जा सके। और वहीं दूसरी ओर काफ़ी किसान जुड़े हैं, बात करना चाहेंगे। पाजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो 3 अक्टूबर को लखीमपुरी उत्तर प्रदेश के अंदर एक केंद्रीय मंत्री है भाजपा का आशीष मिश्रा, शांतिपूर्ण किसान विरोध कर रहे थे, करके अपने घर जा रहे थे, उसके बेटे ने पीछे से गाड़ी आगे चला दी, उनके ऊपर चढ़ा दी, उसमें 4 किसान शहीद हुए, 1 पत्रकार भी शहीद होया। अभी तक उसने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो उसके विरोध में लेकर पूरे भारतवर्ष में आज रेल रोक अभियान है, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। उसी की एक कड़ी करनाल जिला, आज करनाल रेलवे स्टेशन पर 10 बज चुके हैं और अभी अपने मैट बिछा देंगे और ये 4 बजे तक रेल रोकने का प्रोग्राम रहेगा। तो ये पहली गाड़ी रोकी है आपने? नहीं, अभी कोई गाड़ी नहीं रोकी, 10 बजने में अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। 6 मिनट रह रहे, हम पूरे 10 बजे अपने मैट बिछा देंगे, 10 बजे के बाद कोई भी गाड़ी हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। हमारी सवारी गाड़ी भी रोकी गई कोई अभी? नहीं, अभी कोई, 10 मैं बता रहा हूँ आपको, 10 बजे से पहले हम किसी को नहीं रोकेंगे और 10 बजने के बाद हम किसी को जाने नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, 6 मिनट पड़े हैं 10 बजने को और किस प्रकार से, पाजी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस रेल रोको अभियान को लेकर? जिदा कि आप जी ने पता है कि 10 महीने तो किसानी आंदोलन चल रहा है। बीते दिन ही, थोड़े दिन पहला ही राज्य केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे ने जो किसानों नाल दुर्दशा की, किसानों की गड्डी थले दरड़ के जो शहीद किए किसानों, वो इंसाफ लिए असी मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही। असी इस्तीफा चाहते हैं कि पहला उन्होंने इस्तीफा देवे राज्य गृह मंत्री, उस तो बाद बेटे उन्होंने 302 धारा लगी है जेल च सटिया जाए, तो उत्ते कड़ी कार्रवाई होए, तो किसानों को इंसाफ मिल सके। इस लैके 10 बजे से लैके 4 बजे तक किसानों ने रेल रोको अभियान चलाया। तो आपको लगता है कि ये असर कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा? हाँ जी, जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जी निकमी हरकत ना करता किसान ना रोक दे ट्रेन, अगर उन्हें निकमी हरकत की है तो बिल्कुल रोकेंगे। हुण पिछले दिन ही तुसीं कल करनाल दे विच देखते हो कि नौजवान प्रोटेस्ट करते होंगे तो कुछ शरारती आंसर जो गड्डी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असी एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन हजे भी प्रशासन की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर ये अभियान कब तक चलेगा आपका? यह अभियान अज तो हूँ तो लैके सवेरे 10 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक है। बाकी कोई शांतिपूर्वक रहेगा, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है साडा, क्योंकि साडा भाईचारा एकता बनी हुई है। तो एक जिन्हें भी इतने अपने यात्री रुकनगे, सारे की लंगर की सुविधा असं अपने को कर रहे हैं, गुरुद्वारा साहब तो या मंदिर मस्जिद जितों भी हो असं खुद कर रहे हैं। भाजी लगता है कि कहीं ना कहीं यात्री भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब इस प्रकार के प्रोटेस्ट होते हैं? एक्चुअली हाँ, परेशान तो परेशानी तो हैगी, लड़ भी तो असं उन्होंने हकों वास्ते ही रहे हैं, उन्होंने जागरूक कर रहे हैं कि आ वेखो जी चीज़ हूँ थानू 20 रुपये किलो मिलती है, जे कानून पास हो गया तो थानू 60-70 रुपये किलो मिलेगी। तो उन्होंने जागरूकता करके ही असं शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चलाया, असं कोई किसी मार काट या किसी देश द्रोह थोड़ी ना कर रहे हैं, वो भी साढ़े ही ने, लेकिन संघर्ष तो करने पैणगे। जे काले कानून आ गए तो साड़ी तो जमीन भी खोज जाएगियाँ। जो हूँ तुम तेल वेखते हो, सरसों का तेल की रेट चलता पाया, ठीक है, पेट्रोल कितने पहुँच गया, 106 रुपये पहुँच चुका है मेरे ख्याल से पेट्रोल जोड़ा है ना। तो एक बंदा की करेगा, कितों कमाएगा? टैक्स असी भरने, रोड टैक्स असी देने, हाउस टैक्स असी देने, पानी के बिल असी देने, कि भारत के असी बैठे हाँ आजाद भारत के, अगर किसान इस तरह गुलाम रहेंगे तो असी गुलामी नहीं सह पावे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपनी बात जरूर सामने रखी है। और ये देखिए एक और यहाँ पर सवारी जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँची है और 10
बच चुकी है, 3 मिनट रह चुके हैं 10 बजने को। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसानी झंडा हाथ में लिए रेलवे स्टेशन पर काफ़ी किसानों की यहां पर फिलहाल मौजूदगी भी देखी जा रही है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल भी यहां पर पहुंचा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। या आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो सेना के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और पूरे भारत में, जी हाँ पूरे भारत में आज रेल रोको को लेकर जो है जो किसान हैं वो हर रेलवे स्टेशन पर इसी तरीके से उनकी मौजूदगी जरूर देखी जा रही है। तो जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और वहीं दूसरी ओर ये देखिए गाड़ी यहाँ से, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिलहाल जो सवारी गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँची है। आप ये देख सकते हैं दिल्ली से पठानकोट के लिए, जी हाँ दिल्ली से पठानकोट के लिए जो सवारी गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँची है। अब ये बात देखने वाली होगी कि इस गाड़ी को रवाना किया जाएगा या फिर इस गाड़ी को यहाँ पर रोक लिया जाएगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि 10 बजने में कुछ एक मिनट जरूर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, सवारियों को काफ़ी दिक्कत होती है भाई, सवारियों की अलग समस्या है, इन किसानों को भी तो दिक्कत हो रही है जो पिछले एक साल से धरने सतलों पे पड़े हैं, अपना घर बार छोटे सड़कों पे बैठे हैं। तो एक दिन क्या हमारे दूसरे सहयोगी भाई हमारे सहयोग नहीं कर सकते जिससे ये गूंगी बहरी सरकार तक आवाज़ आए। हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, हमारा सिर्फ लोगों का सहयोग लेने का मतलब है कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने का मकसद। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रही हैं। और इसी बीच में जीआरपी से जो थाना इंचार्ज है उनसे भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ये देख सकते हैं कश्मीर सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बंदोबस्त कितने हैं पुलिस की तरफ से? सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, आरएएफ की 3 कंपनी लगाई गई तथा लोकल हमारी पुलिस भी यहाँ पर तैनात, आप देख ही रहे हैं। बाकी अभी तक कुछ किसान हैं 10-20 आपके सामने ही आए हैं, तो शांतिपूर्वक अभी चल रहा है सारा। तो आशा अपील करेंगे किसान प्रदर्शन की तरफ से पुख्ता इंतजाम है। जी 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 जी, और अगर कोई गाड़ी रोकी जाती है तो रेल यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो लगता है कोई सवारी गाड़ी यहाँ पर पहुँचेगी? हाँ अभी गाड़ी खड़ी है आपके सामने, वो चल रही है, देखते हैं जैसे भी गाड़ी अगर रुकती है तो उस हिसाब से आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जीआरपी थाना इंचार्ज इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही हैं और यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरियाणा के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 10 बज चुकी है और अब से रेल रोको, जी हाँ चक्का जाम जरूर किया जाएगा। तो जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। फिलहाल जो सवारी गाड़ी है वो यहाँ से जाती हुई जरूर नजर आ रही है, जी हाँ सवारी गाड़ी दिल्ली से पठानकोट के लिए जो सवारी गाड़ी यहाँ पर देखी गई फिलहाल वो यहाँ से जा चुकी है। अब देखने वाली बात ये होती है क्या जो सवारी गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, ये बात जरूर देखने वाली होगी क्योंकि यात्री बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब इस प्रकार के प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले के रेलवे स्टेशन की, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार जो किसान हैं, जी हाँ लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुरक्षा बल यहाँ पर देखा जा रहा है, काफ़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, करनाल रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसी बीच में SHO हैं रामनगर से सतपाल जी, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सतपाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से, क्या मतलब आपका एरिया है इस विषय में आप जानकारी? सुरक्षा के पूरे प्रबंध है, पूरी फोर्स का इंजाम है और कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त ड्यूटी करेंगे। ऐसी कोई भी चुनौती सामने नहीं आई है, थोड़े से किसान आए ठीक अपना प्रदर्शन करके चले जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छे इंतजाम किए? बिल्कुल पूरा इंतजाम आप देख रहे हो, पूरी फोर्स है, पूरा इंतजाम। सतपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर जो है एक पुख्ता इंतजाम जरूर देखे जा रहे हैं। तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इसी बीच में DSP साहब हैं जय सिंह जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, पुख्ता इंतजाम है प्रशासन की तरफ? देखिए आज जो एक आह्वान है किसानों का कि भाई उन्होंने रेल रोकने के लिए एक आह्वान किया है, तो इस विषय में यहाँ पर 3 कंपनीज लगी हैं
और सफिशिएंट मात्रा में यहाँ फोर्स लगी हुई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। तो रास्ते ही पुलिस का यहाँ पर पहरा देखा गया? हाँ, यहाँ पे सुरक्षा को देखते हुए कल शाम से यहाँ पर फोर्सेस को लगाया गया था, जो अब फोर्स जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दिया जाएगा। फोर्सेस 4 बजे तक रहेंगी या इससे ज़्यादा भी समय बढ़ा सकते हैं आप प्रशासन की तरफ से? ये इस बारे में जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये एक्शन लिया जाए। सबको बुलाया गया? पैरामिलिट्री फोर्सेज है यहाँ पे और पुलिस भी है, GRP भी है, RF भी है। देखिए यहाँ पर करीब करीब 4 कंपनीज लगी हुई है। यात्रियों को परेशानी न हो उसका ध्यान रखा गया? बिल्कुल ध्यान रखा गया उनका। तो आप ये देख सकते हैं DSP जय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल की यहाँ पर फिलहाल मौजूदगी जरूर देखी जा रही है। तो जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर लीजिएगा। आप ये देख सकते हैं DSP जगदीप सिंह जो हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले के रेलवे स्टेशन की, अपडेट आपको देते रहेंगे।